हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वेरी वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ इंडस छोटू, सारे छोटुओं के लिए इंडस छोटू। मैं हूं आपकी होस्ट अलवीना और आज मेरे साथ गुड्डू तो नहीं है, हसीन भी नहीं है, आज मेरे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि आज है बड़ा स्पेशल दिन। यस, इट्स दी मदर्स डे। तो सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू विश माई मॉम अ वेरी हैप्पी मदर्स डे एंड ऑल द मॉम्स हु वॉचिंग एंड इवन द मॉम्स हु नॉट वॉचिंग अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। और आज के एपिसोड की स्पेशल बात यह है कि हम कुछ स्पेशल सेलिब्रिटी मॉम से बात करेंगे और उनके साथ उनके छोटू से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं एक सेलिब्रिटी मॉम के घर के बाहर खड़ी हूँ और कौन है वो ये अंदर जाके देखते हैं कि हम किसके घर के बाहर खड़े हैं और किससे पहले बात करने वाले हैं। कम विद मी। ओके, नाउ आई एम इन द सिटिंग एरिया ऑफ सेलिब्रिटी। इनके बारे में मैंने आपको बाहर बताया था, बल्कि बताया नहीं था, मैंने छोड़ दिया था गेस करने के लिए। तो आप सस्पेंस ख़त्म करते हैं और आपको बताते हैं, वी आर विद द प्लेजेंट नाज़ली सुमरो। अस्सलाम वालेकुम नाज़ली, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, दिस इज़ लवली एंड टू फैबुलस किड्स जिनका नाम है जोहेब एंड दिस इज़ जोया। जोहेब एंड जोया, ओके, वन बिग हैप्पी फैमिली। जोहेब कैसे हैं आप? गुड good. Okay, you know what's the occasion? Mother's Day. Yes, it's the Mother's Day. So all the mothers must be smiling today. और इसीलिए नाज़ली भी खुश है, बहुत ही खुश है ना। तो ज़ोहेब मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कौन से स्कूल में, कौन से क्लास में? I'm in Washington International School and I'm in grade 6. You're in grade 6, lovely. ज़ोया जाती है स्कूल? कौन से स्कूल में? DHA Early Learning Center. ओके, शी इज इन DHA अर्ली लर्निंग सेंटर। अचानक से जो है ना जोया की आवाज़ वाज सब खुल गई और जोया ने बात करना शुरू कर दिया। लवली। ओके जोहेब, सिंस आज मदर्स सेंटर ऑफ अटेंशन है, ज़रा मदर्स की बात करेंगे ज़्यादा। वैसे तो हम छोटूस की बात कर रहे होते हैं हमेशा, मगर आज छोटू से मदर्स की बात करेंगे। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका कैसा रिलेशनशिप है मामा के साथ? वेरी गुड रिलेशनशिप। व्हाट यू कॉल हर? व्हाट यू कॉल हर? मम्मी यू कॉल हर? मामा? मामा कॉल हर मामा। और जोया भी मामा बुलाती है। ओके, अच्छा ज़ोहेब, तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट योर मॉम? हर फूड। हर फूड, एंड मोर थिंग्स। सो वी वुड लाइक टू नो दोज मोर थिंग्स। आई डोंट नो, देयर आर लॉट। देयर आर लॉट, ओके, शी कैन नॉट समराइज के को जो है ना, ही कैन नॉट एक्चुअली समराइज कितना है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि मामा का फूड जो है वो बड़ा, वो फेमस भी है क्या? इट्स प्रीटी फेमस। फेमस इन द फैमिली। तो क्या सबसे बेस्ट क्या बनाती है मामा? निहारी। अच्छा जी, निहारी। नाज़ली के इज़ अ निहारी एक्सपर्ट, वी जस्ट डिस्क्लोज्ड दैट ऑन टीवी। सो को कितना ऑफन बनाती? मेबी ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस अ वीक, दैट्स अ लॉट फॉर टू हैव निहारी। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताओ, स्ट्रिक्ट है मामा? सम टाइम्स। व्हेन? व्हाट आर दोज सम टाइम्स वी वुड लाइक टू नो? स्टडीइंग। Studying, she's strict, she's particular. So that's, I agree with her. You know, you have to be very particular about studies. So kya hota hai phir? Matlab kya? What kind of a student are you? An A grade student, an average student, a B grade student? Average. An average student. Are you into sports? Yeah. What? Soccer. Into soccer. Zoya kuch khelti? She plays brass, right? You have dolls with you. What? You have Barbies or what? Brats and Barbies. Brats and Barbies. Okay. How many Barbies do you have? She has to count. Okay, she has to count. Okay, she's okay. एक लंबे बालों वाली होगी, एक night glow होगी, हाँ? सारी Barbies हैं? Lot of Barbies, right? Okay, plenty of Barbies. That's the bottom line. अच्छा तो ये बताओ मुझे कि कोई जबरदस्त वाली डांट याद है मामा की? Yeah, same thing with studying. About the copies you always leave at home. Early in the morning, when I'm about to stop, like, अभी school आ गया, मामा वो मैं एक book भूल गया हूँ, बस. वो स्कूल से यहाँ जब तक घर आना होता है उस वक्त जो डांट पिटरी होती है ये रूटीन में? नहीं, ऑब्वियसली, मतलब यू नो कि ये रेगुलर है ये हरकत? नहीं इतना रेगुलर नहीं, लेकिन काफी हो काफी है, 10-15 दिन में एक दफा एक कॉपी भूल जाए, भूल जाते हैं। ओके, तो फिर क्या कहती हूँ आपसे मैं, वो मुझे बताओ ना, वो क्या कहती हूँ? व्हाट आर दोस प्लेजेंट वर्ड्स दैट यू गेट टू हियर ऑन योर वे बैक होम? या वेल, इट्स पर्सनल। वेरी एक्सप्रेशनल। ओके गुड, ये मुझे बता नाज़ी के व्हाट डू यू थिंक ज़ोहेब की स्ट्रेंथ क्या है, आपके ज़ोहेब के रिलेशन की स्ट्रेंथ क्या है? आई थिंक वी आर वेरी वेरी, वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। ओके, एंड आई ऑलवेज टेल माई किड्स के डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, वी आर फ्रेंड्स,
एनीथिंग दे कैन डिस्कस विद मी. वी गो आउट ऑलमोस्ट लाइक एवरी वीकेंड्स पे तो हम लोग जरूर आउट हमारी एंड वी गो आउट अ लॉट. वी हैव लॉट ऑफ फन एंड आई थिंक मेरी लाइफ में अब जो भी कुछ है इन्हीं के लिए है. वो यही होता है ना व्हेन यू आर अ मॉम तो दे बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन पर और कुछ नहीं रह जाता है. अच्छा तो कभी जो है इसकी कोई ज़बरदस्त अच्छी सी आदत बताएं जो कि आज इसको भी पता लग जाए कि वेरी केयरिंग. अच्छा इज वेरी केयरिंग. दैट्स वंडरफुल फॉर बॉयज टू बी केयरिंग. इट्स अ प्लस पॉइंट. ही लव्स हिज डैड अ लॉट. अच्छा ही डज. बट उस वक्त मैं थोड़ी सी जेलस हो जाती. अच्छा थोड़ी जेलस हो जाती. बट ही इज वेरी केयरिंग. इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल तो आएगा वो मसाज करेगा एंड मतलब ही इज अराउंड. ही इज देयर. ओके. और एक कोई पॉइंट जो बड़ा पुट ऑफ करता हो. वेरी डिस्ट्रैक्टेड. फोकस नहीं. अच्छा फोकस नहीं. क्या कंसिस्टेंट नहीं है. बैठ रहे होते तो टांगे ऊपर होंगी, हाथ उधर होगा, यौन हो रही होगी या कोई डिस्कशन चलेगा या टीवी देख लेगा थोड़ा. मतलब दैट रियली गेट्स मी. आई मीन आई जस्ट कांट. अटेंशन नहीं होता उधर. लाइक आई जस्ट टेल हिम टू फोकस लाइक मे बी फॉर 15-20 मिनट्स. एक बार देख लो, पढ़ लो एंड देन जस्ट गो. दैट इज द ओनली थिंग. अदरवाइज आई थिंक ही इज द बेस्ट बॉय. ओके. Okay, what's mom's favorite color, boy? White. Is white your favorite color? Zoya's favorite color kya hai? Pink and purple. Pink and purple. Of course, she's a Barbie girl, so usko pink and purple pasand hoga. Aur khane mein kya pasand hai Zoya ko? Prawns. Yeah, she loves even. She takes prawns to school. Okay, that's news. Shrimps. ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ. Lunch में shrimps जा रहे होंगे school. Great. अच्छा नाज़नी, सिंस यू वर्किंग दीज डेज अभी इतना है ना यू आर, तो हाउ डू यू मैनेज. इट्स वेरी डिफिकल्ट. लाइक व्हेन आई एम ऑन माय शूट आई एम जस्ट कॉलिंग. आई एम नॉट वेरी वेरी कंसर्न विद जोहेब बिकॉज सिंस शी इज यू नो स्टिल यंग एंड बट जोहेब क्योंकि शी इज इन ग्रेट सिक्स एंड इज ग्रोइंग अप. ही इज ग्रोइंग अप एंड द स्टडीज आर हॉरिबल दीज डेज इन द स्कूल्स. ओके. आई एम सॉरी. आई थिंक जितना टीचर्स नहीं पढ़ाते उससे ज्यादा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर है. ही इज अ टेरिबल बैकएक. Okay. Terrible, just because of his bag. Bag ka weight. Itna zyada weight hota hai bags. And I really want to tell this, I really want to tell this to the teachers and the principal, maybe you're hearing me, ki please do something about this because he's suffering. It's a very serious it's issue. It's very serious issue. Sare schools mein yehi problem hai. Isko main do teen din se I'm giving him massages. I have to take him to the doctor today because he has back pain. So, you kya know, this hai tumhare is too bag much. Mein? मतलब तीन बैग रिप हो चुके हैं 3-4 मंथ्स. व्हाट डू कैरी यू कैरी योर सॉकर बॉल्स एंड बैट्स एंड पता नहीं बुक्स ओनली बुक्स बिग बुक्स टेरिबल. एंड स्टिल यू आर सो डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल योर मॉम इज टीचिंग. अच्छा यू टीच देम. या यू टीच देम. यू मेक श्योर के आई मेक श्योर. अच्छा यू वन ऑफ दोस के होमवर्क हो गया या नहीं हुआ या इफ आई एम ऑन माय शूट आई विल कीप ऑन कॉलिंग ज़ोहेब स्पेशली. आई नो ज़ोया वुड डू इट. ओके. आई मीन शी इज लाइक नहीं मुझे होमवर्क करना है. एंड यू गेट बैक एंड चेक. यस हो गया नहीं हुआ. आई आस्क्ड. एंड यू मस्ट बी वन ऑफ दोस पेरेंट्स हु आर वेरी ईगर टू अटेंड पेरेंट टीचर मीटिंग्स एंड ऑल. ज़ोहेब हार्डली हैव पेरेंट्स मीटिंग. या बट व्हेनेवर ज़ोया हैज मीटिंग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माय मॉम बिकॉज़ शी वाज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड अबाउट द पेरेंट टीचर मीटिंग. आई डोंट नो व्हाई इट इज सच अ टेरर. अच्छा नाज़नी, आई मीन ज़ोहेब से क्लोज है ऑब्वियसली, ज़ोया से भी क्लोज है, बट ये कि अगर पूछा जाए फेवरेट कौन है और टेक्निकल सवाल है. अभी तो यू वर्किंग फुल टाइम और नॉट. No, no. For now, I have taken a break for Zuhay because finals. सर पे हैं तो इससे ज़्यादा तो मुझे स्ट्रेस लेना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ता है तो. बट या आई एम वर्किंग. आई एम माशाल्लाह इनटू प्रोडक्शन आल्सो. आई एम प्रोड्यूसिंग माय प्लेज. एंड इन द पास्ट डेज कैसे होता था इफ यू आर आउट ऑफ सिटी इफ यू नॉट. उसमें तो फिर द ग्रैंडमा इज देयर हु इज अ लवली लेडी हु टेक्स केयर ऑफ माय किड्स. यू मस्ट बी कॉलिंग अप. ये हो गया होमवर्क हो गया ज़ोहेब का प्रॉन्स ले गई ज़ोया. शी ऑलवेज टेल माय किड्स के मम्मा को ये बता दूंगी तो दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ मी. दैट्स द बेस्ट पार्ट. नॉट स्केयर्ड ऑफ देयर डैड एट ऑल. और ये छोटू की तरफ से ज़ोहेब अपनी मामा को जल्दी से मदर्स डे विश कर दो. हैप्पी मदर्स डे. थैंक यू.
दैट वॉज लवली. एंड ऑफकोर्स हम आए हैं आपके यहाँ तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, ये छोटू के लिए. दिस इज अ गुडी बैग फ्रॉम छोटू. लवली हैप्पी फैमिली. आई होप यू गाइज कैरी ऑन लाइक दैट, बी फ्रेंड्स एंड हैव फन. थैंक यू सो मच. हम मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी मामा से, पर उससे पहले हम चल के देखेंगे हमारे आज के प्रोग्राम. स्टे ट्यून टू इंडस छोटू.